Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. So today I am here at Champa Gali, which is very near to my house. This beautiful place is located in Saket. It's quite hidden and you know, secret beautiful place. If you don't know, you can google it and find the directions. This charming hideaway is a potpourri of all good, like art, culture, tea, coffee and of course yummy food. और जो यहाँ की लाइटनिंग इन्होंने की हुई है ना, डेकोरेशन, वो बहुत ही प्यारी है, बहुत अट्रैक्टिव है. यू शुड कम एंड यू नो फील दिस वाइब, ब्यूटीफुल. सो माय सिस्टर्स आर ट्राइंग टू गेट सम कूल पिक्चर्स. So guys, this place is really awesome place, and if you are planning to come to Champa Gali, then do not forget to get some cool pictures. As you can see, the beautiful paintings on the walls everywhere like this. Shama, very good, nice picture. मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं. वो तो ठीक है. एंड शमा इज ट्राइंग टू शो सम क्रिएटिविटी. वेरी गुड शमा, योगा पोज. और नाउ इट्स माय टर्न. तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है हम सबको, तो हम आ गए हैं कुछ खाने के लिए और उसके बाद हम फिर से बाहर जाएंगे और थोड़ा घूमेंगे. If I have to describe this beautiful place, then I would say it is a new Hoskas village. As we all know, Hoskas village has been so commercial and you know, it's not as hip anymore as before. So please try to you know visit this place, and it is so beautiful to click pictures, to just hang it up with your friends and spend some quality time. And this place is still you know hidden, quiet place, and which makes this place more awesome and beautiful. हम लोग चंपा गली से आ गए हैं, और गाइस आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कितनी ब्यूटीफुल प्लेस थी वो. सबको आना चाहिए. मैं तो अपने फ्रेंड्स को डेफिनेटली इस जगह को रिकमेंड करने वाली हूँ, और मैं खुद भी लेकर आऊँगी. और ये देखो रास्ते में मस्ती करते हुए चल रहे हैं. हाय,
ओके, तो हमने सोचा है कि हम कुछ खाते हुए जाएंगे, क्योंकि जो मोमोज हमने ऑर्डर किए थे वो इतने कुछ खास नहीं थे, तो हम एक जगह से मोमोज खाते हुए जाएंगे। तो हमने सोचा हम ऑटो ही ले लेते हैं, क्योंकि पैदल जा सकते हैं, घर इतना दूर नहीं है, बट हमारे साथ आहत था तो उसको इतनी ज़्यादा वॉक नहीं हो पा रही थी, तो हमने सोचा रात भी ज़्यादा हो गई है, ऑलमोस्ट 10 बज गए, तो हमने सोचा कि ऑटो से जल्दी से जाते हैं और फिर मोमोज खाने के बाद फिर हम घर जाएंगे। क्यों शमा, क्या क्या खाना है? मुझे को अपनी फेवरेट कॉफ़ी पीनी है। अच्छा, उसको कॉफ़ी पीनी है जो सिर्फ PVR पर मिलती है, मतलब उसको उस जगह की ही पसंद है, और जो हमने यहाँ पर चीज़ें ऑर्डर की थी जगह बहुत प्यारी थी, और इतना कुछ खास खाने का मुझे टेस्ट पसंद आया नहीं। रूबी, कुछ खाना है वहाँ जाकर PVR, कुछ स्पेशल डिश? पिज्ज़ा। तो हम सबकी एक एक हमने डिसाइड किया हुआ है हमने क्या क्या खाना है। कहा क्या खाना है? सो फाइनली वी आर हियर एट PVR, और अभी यहाँ पर आने के बाद देखा तो जिसके लिए मैं स्पेशली आई थी इतना दूर मोमोज खाने के लिए, तो वो तो ख़त्म हो गए। नॉनवेज मोमोज हैं जो कि मुझे नहीं खाने, वेज मोमो खाने थे। बाकी अभी हम पिज्ज़ा खाएंगे और कोल्ड कॉफ़ी लेंगे। गाइस, अभी जिस भी चीज़ के लिए हम जा रहे हैं, आई थिंक हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो वो हर चीज़ बंद है, तो मोमोज तो मिले नहीं, और अभी डोमिनोज देख रहे हैं। आहत, पिज़्ज़ा और चलो 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 चलो। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं यहाँ तो हम लेट पहुँच रहे हैं, और जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और अभी हम डोमिनोज आएँ तो यहाँ पर इन लोगों ने AC ऑफ कर दिया, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और अभी हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे अच्छा टेक अप भी ले रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में तो क्या ही खा पाएंगे। भैया, कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। 20 मिनट लगेंगे अभी? लग सकते। स्टिल वेटिंग। Thank God we got coffee to get some energy to walk till house. Yeah, or they are still inside the Domino's and waiting for the order. 20-25 minutes se bhi zyada aa gaya. Finally pizza aa gaya, so let's go inside. Finally they are having pizza and I'm having my coffee. ओके गाइज, तो व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, से बाय। बाय। ओके बाय, टेक केयर।